हेलो बच्चों, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास से सिक्स का साइंस का चैप्टर करते हैं, जो कल हमने बीच में छोड़ा था ना। लेसन नंबर है सेवन, वो हमने कहाँ तक पढ़ा था? इसमें जो ये स्टेम है ना, ये कंप्लीट कर लिया था। आज आए हम 7.3 पे। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है लीफ। लीफ मीन क्या होते हैं? पत्ता। लीफ मीन क्या होता है? पत्ता। अब इसके बारे में हम देखेंगे। हम लेसन हमारा कौन सा है? ऑब्जर्व द लीव्स ऑफ सम प्लांट्स अराउंड यू एंड ड्रा देम इन योर नोटबुक। अब ऑब्जर्व का मतलब होता है तहकीकात करना, ज्ञात करना। द लीव्स पत्तियों को ऑफ सम प्लांट्स, कुछ पौधों की, अराउंड यू, जो तुम अपने आसपास देखते हो, ड्रा देम इन योर नोटबुक, अपने नोटबुक में उनको बनाओ। आर ऑल द लीव्स ऑफ सेम साइज, शेप एंड कलर? क्या सभी पत्तियां मतलब एक से साइज की हैं, शेप, आकार में और कलर में? हाउ आर लीव्स अटैच टू द स्टेम्स? हाउ मीन्स कैसे कैसे पत्तियां तने से जुड़ी हुई हैं? द पार्ट ऑफ लीफ बाय विच इज अटैच्ड टू द स्टेम इज कॉल्ड पेटियल्स। द पार्ट ऑफ द लीफ, पत्ते का जो वो भाग, पार्ट ऑफ लीफ, पत्ते का जो भाग है, विच इट इज अटैच टू द स्टेम्स, जो तने से जुड़ा हुआ होता है, उसको हम पेटियोल कहते हैं, डंठल। पेटियोल मीन क्या होता है? डंठल। द बोर्ड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लेमिना, और जो उसकी जो बोर्ड ग्रीन, जो हरा भाग होता है ना पत्ते का, उसको हम लेमिना बोलते हैं। 7.8 एक्सरसाइज में देखो दे रखा है, कैन यू आइडेंटिफाई दीज पार्ट ऑफ लीव्स इन प्लांट अराउंड यू? कैन यू आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई का मतलब होता है पहचान कर सकते हो, दीज पार्ट ऑफ द लीव्स, उन पत्तियों को, इन प्लांट अराउंड यू, जो तुम अपने आस पास देख रहे हो, डू ऑल द लीव्स हैव पेटियोल्स? अब इसमें लेट अस गेट टू नो द लीफ बेटर by taking its impression. If you thought that leaves cannot shine, here is an activity which will make you think again. अब ये कहते हैं जो तुम्हें आसपास, let us go to, अब हम जाने the leaf better by taking its impression. जो हमें जो पत्ते दिखाई दे रहे हैं उनको हम किस प्रकार बताएंगे कि ये किस कैसे कैसे है और कैसे उसके साइन है, क्या क्या उसमें दिखाई दे रहा है, क्या नहीं दिखाई दे रहा। जैसे ये पत्ते के अंदर आपने बना रखा है ना चित्र, इसमें बताएंगे। अब एक्टिविटी थ्री देखो, पुट ए लीफ अंडर ए व्हाइट शीट ऑफ पेपर। ये कहता है एक पुट मीन डालना, ए लीफ एक पत्ते को, अंडर ए व्हाइट शीट, एक सफेद कागज की शीट लेनी है, पेपर लेना है, और ए सीट इन योर नोटबुक, अपनी जो बुक की है, होल्ड इट इन प्लेस एज सोन इन फिगर। जैसे 7.9 में फिगर में ये दिखा रखा है ना, इस प्रकार इसको रखो। होल्ड योर पेंसिल, पेंसिल लेके टिप साइडवेज एंड रब इट ऑन द पोर्शन ऑफ द पेपर हैविंग द लीफ बिलो इट। अब उस पर पत्ता रख के उस पेज के ऊपर, और पेंसिल के उसको चारों तरफ ऐसे रब करो, ऐसे 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 करते हैं ना, ऐसे ऐसे उसको करो। Did you get an impression with same lines in it? अब आप क्या महसूस करोगे कि आपने जो लाइन सी बनाई ना, उसी छाप दूसरी तरफ पड़ जाएगी पत्ते की। Are they similar to those on the leaf? उसी प्रकार क्या वो पत्ते जैसे ही हैं? Are they similar to those on the leaf? जो हमने पत्ता रखा था ना, वैसी शेप उस पे अंकित हो रही है पेपर के ऊपर, जो हमने कागज का पेपर लिया है। These lines on the leaf are called veins. These lines, जो ये लाइन सी पत्ते के अंदर दिखाई दे रही हैं, इसको हम वेन्स बोलते हैं। Do you see a prominent line in the middle of the leaf? अब एक do you see, क्या तुम देखते हो जो हमारा ये लीफ है उसके अंदर एक जो मिडल, जैसे ये पत्ता बना रखा है ना एक्सरसाइज में, देखो इसमें ये बीच वाली है, तो उसको this is called midrib, उसको हम midrib बोलते हैं, मध्य सिरा। आप देखो द डिजाइन मेड बाय वेन्स इन ए लीफ इज कॉल्ड द लीफ एंसन। द डिजाइन का मतलब जो आकार सा बन रहा है, मेड बाय द वेन्स, जो इनका पत्तियों का जो बन रहा है, पत्तियों के अंदर बना हुआ है, उसको हम बोलते हैं लीफ एंसन। इफ दिस डिजाइन इज नेट लाइक ऑन बोथ साइड ऑफ मिडरिंग, यदि दिस डिजाइन, ये डिजाइन नेट लाइक ऑन बोथ साइड ऑफ मिडरिप, मिडरिप के मतलब दोनों तरफ होता है ये, और दूसरी तरफ भी हमें दिखाई देता है। द वेंसिल इज रेटिकुलेट, उसको हम बोलते हैं जालिकारूपी सिरा विनाश, जालिकारूपी सिरा विनाश। इन द लीव्स ऑफ ग्रीन यू माइट हैव सीन दैट द मीन्स आर पैरेलल टू वन अनदर। तो मतलब पैरेलल का मतलब होता है समांतर,
सिराएं, समांतर सिराएं। अब पत्ता है, पत्ते को आप लीफ को उठा के देखोगे दूसरी तरफ भी हमें हल्की हल्की दिखाई देंगे, तो उनको मतलब बोलते हैं पैरेलल वेंशन, समांतर सिराएं। ऑब्जर्व द वेंशन इज इन एज मैनी लीव्स एज यू कैन विदाउट रूमिंग देम फ्रॉम द प्लांट्स। ऑब्जर्व द वेंशन, अब आप ज्ञात करो कि जो ये सिराएं हैं इन एज मैनी लीव्स, बहुत सारे पत्तों में, एज अनेक पत्तों में, एज यू कैन विदाउट रिमूविंग देम फ्रॉम द प्लांट। ड्रा द पैटर्न एंड राइट नेम्स ऑफ सम प्लांट्स हैविंग रेटिकुलेट एंड पैरेलल वेंशन। अब कुछ पौधों के पत्तियों के बारे में बताओ कि इसमें रेटिकुलेट है या जालिकादार या पैरेलल वेंशन है। Shall we now find out some of the function of a leaf? अब इसके बारे में जो function है उसके बारे में हम पहले ही याद कर चुके हैं, आगे भी करेंगे। तो activity 4 है, देखो इसमें we will require a herb to transport polythene bag and thread. We will require का मतलब होता है आवश्यकता, a herb to transparent polythene. पोलोथीन जो हमारे ये आते हैं सामान वगैरह डल के ये बैग्स होते हैं वो चाहिए हमने, दो पोलोथीन एंड थ्रेड, थ्रेड मैंने होता है धागा। डू दिस एक्टिविटी ड्यूरिंग डे टाइम ऑन ए सनी डे, इस एक्टिविटी को हमने धूप वाले समय में करना है, सनी डे का मतलब धूप वाले समय के दौरान, ड्यूरिंग डे। यूज ए हेल्थी वेल वाटर्ड प्लांट एंड दैट हैज बीन ग्रोइंग इन द सन। यूज ए हेल्थी, हेल्थी का मतलब होता है मतलब जो पौधा बिल्कुल स्वस्थ है, सही है, उसको हमने लेना है। वेल वाटर्ड प्लांट और उसमें पानी अच्छी तरह से मतलब लगा हुआ हो, दैट हैज बीन ग्रोइंग इन द सन और जो धूप में हो। इनक्लोज ए लीफ ब्रांच ऑफ द प्लांट इन ए पोलोथिन कवर एंड टाई अप इट्स माउथ एज शोन इन फिगर 7.11। देखो 7.11 में ये फिगर दे रखी है, इसमें देखो उस जो हमने जो प्लांट लिया ना उसको उस पोलोथिन के बैग में डाल लो यार, है ना। ऑफ द प्लांट इन पोलोथिन कवर एंड टाइड अप इट्स माउथ एज सोन इन फिगर, और उसको मतलब टाइट बांध लो उसको, यहाँ बीच में से इसको टाइट बांध रखा है, आधा इसका नीचे भाग है आधा ऊपर, पोलोथिन से ढक के उसको धागे से टाइट बांध लिया। टाई अप द माउथ ऑफ अनदर एम्प्टी पोलोथिन कवर एंड कीप इज आल्सो इन द सेंस। टाई अप द माउथ, उसको मतलब उसके मुंह को बांध के जो जिसमें पौधा रखा है पोलोथिन को, अनदर एम्प्टी पोलोथिन कवर एंड कीप इट आल्सो इन द सेंस, और दूसरा एक जो खाली जो पोलोथिन है ना उसके ऊपर उसको ढक के उसको रख दो धूप में। आफ्टर ए फ्यू आवर्स कुछ घंटे के बाद ऑब्जर्व, तुम ज्ञात करोगे द इनर सरफेस ऑफ द कवर्स, इनर का मतलब होता है जो अंदर का जो उसका भाग है ना जो ढका हुआ है। व्हाट डू यू सी, तुम क्या देखते हो, आर देयर एनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, तो उसमें आप पानी की कुछ बूंदें दिखाई देती हैं आपको। हाउ डू यू थिंक दे गॉट देयर, तुम सोचते होगे कि ये कहाँ से आई। डोंट फॉरगेट टू रिमूव द पोलोथिन बैग आफ्टर द एक्टिविटी, अब इसकी मतलब एक्टिविटी देखने के बाद ही इसको पोलोथिन को हटाना है। तो वाटर कम्स आउट ऑफ लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स बाय ए प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपीरेशंस। अब कहता है वाटर कम्स आउट ऑफ लीव्स, जो पत्तियों पे जो पानी होता है ना वो कहाँ से आया, इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स बाय ए प्रोसेस, प्रोसेस माने होते प्रक्रिया कॉल्ड ट्रांसपीरेशन, उसको हम ट्रांसपीरेशन बोलते हैं, जो सूर्य की गर्मी से जो पौधे पे पानी की जो बूंदे आई है ना उसको बता रखा है, उसको हम वाष्पीकरण बोलते हैं, उसके द्वारा वे बूंदे अंकित हुई है। प्लांट्स रिलीज ए लॉट ऑफ वाटर इनटू द एयर थ्रू दिस प्रोसेस, पौधे रिलीज मीन्स होता है छोड़ना, ए लॉट ऑफ वाटर इनटू द एयर, हवा में, थ्रू दिस प्रोसेस, इस प्रक्रिया के द्वारा पौधे हवा में पानी को छोड़ते हैं। वी विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 14, और इसके बारे में अधिक जानकारी हम चैप्टर 14 में पढ़ेंगे। व्हाई डिड वी टाई ए कवर अराउंड द लीव्स, व्हाई डिड वी टाई ए कवर अराउंड द लीव्स, हमने क्यों जो पत्तियां थी उसको हमने उसको चारों तरफ से टाइट क्यों बांधा था। वुड वी हैव सीन द वाटर एवापोरेट इफ वी हैड नॉट टाइड ए पोलोथीन कवर्स, वुड वी हैव सीन द वाटर एवापोरेट इफ वी हैड नॉट टाइड, अगर हम उस पोलोथीन को टाइट नहीं बांधते ना तो हमें पता नहीं चलता। What makes the water appear on the polythene bag?
वट मेक्स द वाटर अपीयर ऑन पोलोथिन बैग पे, जो पानी की बूंदे हमें अपीयर मन होते दिखाई दे रही हैं वे कैसे आई पता नहीं चलता। इन चैप्टर फाइव का जो चैप्टर है हम पीछे पढ़ के आए हैं, वी नोटिस्ड वाटर चेंजिंग इनटू डिफरेंट फॉर्म इन सम ऑफ आवर एक्टिविटीज, जो पानी की जो प्रक्रिया है हम पीछे लेसन चार में पढ़ के आए हैं उसके बारे में यहाँ भी कुछ जिक्र है, पीछे भी कुछ बताया हुआ है। कैन यू थिंक ऑफ दीज एंड नेम द प्रोसेस दैट मेक्स वाटर ड्रॉप अपीयर ऑन द पोलोथीन कवर। लीव्स आल्सो हैव अनदर फंक्शंस, लेट अस स्टडी दिस। अब हम आगे के बारे में इसके फंक्शंस में होते हैं इसके जो पढ़ेंगे उनके बारे में। तो एक्टिविटी फाइव में पढ़ेंगे, वी वुड रिक्वायर ए लीफ, हमें एक पत्ते की आवश्यकता होगी। स्पिरिट उसमें होता है इसका मिट्टी का तेल। ए बीकर एक जार, टेस्ट ट्यूब एक टेस्ट ट्यूब, बर्नर वाटर, ए वाच ग्लास एंड आयोडीन सॉल्यूशन ऑफ दिस एक्टिविटी। टेक ए लीफ इन टेस्ट ट्यूब्स, पत्ते को किस में डालेंगे, टेस्ट ट्यूब में, एंड पोर स्पिरिट्स टू कम्प्लीटली इमर्स द लीफ। आप कहते हैं पोर मन होता है डालना, स्पिरिट में होता है मिट्टी का तेल, टू कम्प्लीटली मतलब कम्प्लीटली उसमें डूब जाए पत्ता। आप देखें क्या करेंगे, नाउ प्लेस द टेस्ट ट्यूब इन बीकर हाफ फिल्ड विद वाटर, प्लेस द टेस्ट ट्यूब। अब जो कहता है टेस्ट ट्यूब इन ए बीकर, बीकर में रखा था हमने उसको, हाफ फिल्ड विद वाटर, उसको आधा पानी से भर लेना है। हिट द बीकर टिल एंड द ग्रीन कलर फ्रॉम द लीफ कम्स आउट इन द स्पिरिट्स इन द टेस्ट ट्यूब। हिट, अब उसको मतलब हिट करो द बीकर को, टिल ऑल द ग्रीन कलर, अब उसमें हरा कलर आने लगेगा, फ्रॉम द लीफ कम्स आउट इन टू द स्पिरिट इन द टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब के अंदर जो हमने मिट्टी का तेल डाल रखा था और पानी डाल रखा था, अब उसको हिट देंगे तो उसका कलर चेंज हो जाता है। टेक आउट द लीफ केयरफुली एंड वॉश इट इन वाटर, अब कहता है टेक आउट द लीफ, अब पत्ते को निकाल लो सावधानी पूर्वक, एंड वॉश इट इन वाटर, और उसको पानी में अच्छी तरह से धो। प्लेस इट ऑन ए वॉच ग्लास एंड प्योर सम आयोडीन सॉल्यूशन ओवर इट, अब कहता है प्लेस इट इन वॉच ग्लास, अब उसको एक शीशे के ग्लास में रखो और पोर सम आयोडीन सॉल्यूशन, और उसमें आयोडीन सॉल्यूशन डाल दो। उसमें 7.12 में दिखाया गया है, यहाँ पे देखो इसमें एक्सरसाइज दे रखी है ना, यहाँ पे ये दे रखा उसने। What do you observe? आपने क्या निष्कर्ष निकाला? Compare your observation with those done in chapter 2. हम इस प्रकार के observation chapter 2 में भी करके आए हैं। When you tested food for presence of different nutrients. Nutrients को अलग अलग nutrients को ज्ञात करने के लिए हम chapter 2 में इसी प्रकार के हमने टेस्ट किए थे। Does this means that the leaf has stars in? क्या हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि पौधे में स्ट्रास है? इन चैप्टर 2 ये हम कल पढ़ेंगे इसके बारे में।